हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पराग कण की संरचना के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पराग कण का निर्माण हो गया था, तो आज देख रहे हैं पराग कण का निर्माण हुआ है तो पराग कण है कैसा। ठीक है, जैसे खुद को आईने में रोज देखते हो कैसे हो, आज देख लेते हैं पराग कण कैसा होता है। तो देखो, ये अभी पराग कण का बना रहे हैं चित्र। ये एक, ठीक, इसमें छोटे छोटे देखिए, ये है पराग कण। अब इसके बारे में जानते हैं। पराग कण अति सूक्ष्म गोल तथा अंडाकार संरचना होती है। पराग कण की संरचना हेडिंग लिख लीजिए और उसमें भी ये पहला जो बताए हैं अभी वो पहला स्टार कि पराग कण की संरचना हेडिंग, फिर उसमें पहला स्टार। पराग कण अति सूक्ष्म गोल तथा अंडाकार संरचना होती है। ठीक, अगला, इसमें दो परत दिखाई दे रही है, एक ठो बाहर एक ठो अंदर। अच्छा, बाहर वाली खुरदरी दिखाई दे रही, कांटे नुमा बाहर निकली है और ये बहुत कठोर भी होती है। इसका नाम है एग्जाइन, इसको कहते हैं एग्जाइन, हिंदी में बाह्य चोल। और अंदर वाला है इंटाइन, इंटाइन हिंदी में अंतः चोल। ठीक, तो देखिए पराग कण में दो परतें पाई जाती हैं, बाहर वाली परत कोमल नहीं, बाहर वाली परत कठोर खुरदरी होती है, उसको बाह्यचोल कहते हैं। अंदर वाली परत कोमल तथा मुलायम होती है, उसे अंतःचोल कहते हैं, इंटाइन। ठीक, ये बाह्यचोल बना होता है स्पोरोपोलोनिन और ये बना होता है पेक्टिन तथा सेलुलोज का। ये बना है स्पोरोपोलोनिन और ये बना है पेक्टिन प्लस सेलुलोज का। ठीक, देखिए जो स्पोरोपोलोनिन है ये बहुत प्रतिरोधक होता है, इस पर अम्ल क्षार ताप का प्रभाव ही नहीं पड़ता। अभी तक कोई एंजाइम का खोज नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलोनिन को नष्ट कर सके, इसीलिए पराग कण जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये दो परतों से बना होता है, बाहरी परत को ये, अंदर वाली परत को ये कहते हैं। अगला देखते हैं, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसको कहते हैं रसधानी या रिक्तिका, वैक्यूल। ठीक, बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव्य में तैरती रहती हैं। ये है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक, अब इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर दो केंद्रक बना लेता है, समसूत्री विभाजन उसमें होता है और दो केंद्रक बना लेते हैं। अब वो दोनों केंद्रक अपने अगल बगल के कोशिका द्रव्य को एकत्रित करके कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, एक ठो मध्य में एक ठो किनारे पर, तो इसमें इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक का निर्माण कर लेता है। जो मध्य में होता है उसे कहते हैं कायिक कोशिका। अब कायिक कोशिका के केंद्रक को क्या कहेंगे, कायिक केंद्रक, और जो किनारे पर होता है उसको कहते हैं जनन कोशिका, और इसके केंद्रक को क्या कहेंगे, जनन केंद्रक। ठीक, देखिए इसमें दो कोशिकाएं होती हैं या दो केंद्रक होते हैं, मध्य वाले को कहते हैं कायिक केंद्रक और किनारे वाले को कहते हैं जनन केंद्रक। ठीक, अब एक बार ध्यान दीजिए, इसकी जो अंतः पर अंतः चोल है वो सतत होती है, कंटिन्यू लगातार, और जो बाह्य चोल है वो सतत नहीं होती। कहीं कहीं पर देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ छिद्र का निर्माण, यहाँ छिद्र का निर्माण, तो ये जो है, चलिए इसको बना दे रहे हैं, पूरा यहाँ बना दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं जनन छिद्र, जर्म पोर, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक,
तो जनन कोर, यहाँ से पराग नलिका का अंकुरण होता है, पराग नलिका का अंकुरण करके फिर इसका जो जनन केंद्रक है उसी में चला जाएगा और फिर विभाजित होकर दो ठो हो जाता है, तो उसको छेड़ दीजिए बस इसको। ये द्विबीजपत्री में एक से तीन होता है, एक बीजपत्री में एक ठो होता है, इसलिए उसको द्विबीजपत्री को ट्राईकॉल्पेट कहते हैं और एक बीजपत्री को मोनोकॉल्पेट कहते हैं। ठीक है, समझा पा रहे हैं? आगे देखिए क्या बताने वाले थे। हाँ, ये सतत होता है अंतःचूल, बाह्यचूल सतत नहीं होता और एक छिद्र का निर्माण करता है जिसे कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र द्वारा पराग नलिका का अंकुरण होता है, बस इतना ही लिख देना है। ये था परागकण की संरचना। ठीक है, हेडिंग लिख लेंगे परागकण की संरचना और लिखेंगे परागकण अति सूक्ष्म गोल अंडाकार संरचना होती है, इसमें दो परतें पाई जाती है, बाहरी परत को बाह्यचूल कहते हैं, अंदर वाली परत को अंतःचूल कहते हैं। बाह्यचूल स्पोरोपोलोनिन का बना होता है, अंतःचूल पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। बाह्यचूल खुरदरा तथा कठोर होता है, अंतःचूल कोमल तथा मुलायम होता है। इसमें दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, मध्य वाले केंद्रक को कहते हैं कायिक केंद्रक और किनारे वाले केंद्रक को कहते हैं जनन केंद्रक। ठीक, जनन केंद्रक जनन में भाग लेता है, कायिक केंद्रक उसके बस बॉडी गार्ड का काम करता है, इधर उधर रहता है, फिर बाद में नष्ट हो जाता है। अंतःचूल लगातार होती है, बाह्यचूल लगातार नहीं होती और वो एक छिद्र का निर्माण करती है जिसे कहते हैं जनन छिद्र। अच्छा, हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, द्विबीजपत्री पौधा है तो उसके परागकण में ये जो छिद्र रहेगा उसको जनन छिद्र कहेंगे, अगर यही एक बीजपत्री पौधा है तो इसको जनन छिद्र न कह के जनन दरार कहते हैं। ठीक, तो ये जो बताया गया ये था परागकण की संरचना के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझा पा रहे हैं, अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा, आगे से और बढ़िया प्रयास करेंगे। तो बाकी सब तो हो गया, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो वृद्धों का सम्मान कीजिए, वृद्धों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने व्यक्तित्व को इस तरह विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।